क्या आपको पता है मार्केट में एक नया रुपए नेटवर्क का क्रेडिट कार्ड लॉन्च होने वाला है जिसका इस्तेमाल आप यूपीआई पर लिंक करके भी कर सकते हैं। इस रुपए नेटवर्क के क्रेडिट कार्ड के एप्लीकेशन का नाम है कीवी। तो चलिए जानते हैं कि आखिर कीवी क्या है, यहाँ पर आपको कौन सा क्रेडिट कार्ड मिलेगा और इसी के साथ साथ आप इसके लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले मार्केट में जो कीवी का रुपए नेटवर्क का क्रेडिट कार्ड आने वाला है, ये एक वर्चुअल क्रेडिट कार्ड होने वाला है और अगर आप इस क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पर आपको बहुत सारे रिवॉर्ड पॉइंट्स और कैशबैक मिलेंगे। लेकिन जब ये क्रेडिट कार्ड मार्केट में लॉन्च होगा तब इसका नाम कीवी नहीं होने वाला है, इसका नाम होने वाला है एक्सिस बैंक क्विक क्रेडिट कार्ड और कीवी इस कंपनी के प्रोडक्ट का नाम है। इस कंपनी ने एक्सिस बैंक के साथ टाइप किया है और यहाँ पर एक्सिस बैंक का को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड आपको मिलने वाला है। अगर आप इस क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं और आपके क्रेडिट कार्ड का एप्लीकेशन अप्रूव हो जाता है तो इनिशियली आपको 250 रुपीज का बोनस मिलेगा और आपका 250 रुपीज का जो बोनस है कीवी के एप्लीकेशन में दिखाई देगा। कीवी के इस कार्ड का सेकंड बेनिफिट ये होने वाला है कि अगर आप इस कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पर आपको 2% तक के कैशबैक कमाने को मिलेंगे और अगर आप लोग इस वर्चुअल कार्ड का इस्तेमाल करते हैं और स्कैन एंड पे के फीचर का इस्तेमाल करते हैं तो आपको हर एक स्कैन एंड पे के फीचर पर 1% तक के कैशबैक मिलेंगे। और अगर आप इस क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इस क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करने का प्रोसेस काफी ज्यादा आसान है। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पर जाना है और कीवी के एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। अगर आप कीवी के एप्लीकेशन को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको आपके फोन नंबर से लॉग इन करना है, इसके बाद आपको वेटलिस्ट दिखाई जाएगी क्योंकि करंटली मार्केट में जो कीवी का क्रेडिट कार्ड है ये सिलेक्टेड यूजर्स को ही मिल रहा है और प्रीवियसली कंपनी ने अनाउंस किया था कि जून के महीने में कंपनी इस कार्ड को लॉन्च करेगी। कंपनी के स्टेटमेंट के मुताबिक कंपनी ने जून के मंथ में इस कार्ड की सर्विसेज को स्टार्ट कर दिया है और सिलेक्टेड यूजर्स को इस कार्ड का इस्तेमाल करने का बेनिफिट भी मिलेगा। लेकिन अगर आप एक आईफोन यूजर हैं तो इस कार्ड का इस्तेमाल आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि करंटली कार्ड सिर्फ और सिर्फ एंड्रॉइड यूजर के लिए लॉन्च हुआ है। इस एप्लीकेशन को इस्तेमाल करने के लिए आपके पास एक एंड्रॉइड फोन का होना बहुत जरूरी है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक्सिस बैंक का को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड होने वाला है तो अगर आप लोग एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं या एक्सिस बैंक के कस्टमर हैं और अगर आप इस कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको प्रीफरेंस पहले दिया जाएगा, आपको कार्ड पहले मिलेगा। और सबसे खास बात तो यह है कि अगर आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं, इस एप्लीकेशन पर खुद को रजिस्टर करते हैं तब यहाँ पर आपको वेटलिस्ट दिखाई जाएगी। लेकिन अगर आपको सामने से मैसेज आता है कंपनी की तरफ से तो आपके सामने एक इंटरफेस ओपन होगा और आपको क्रेडिट कार्ड पर लिमिट भी दी जाएगी। और सबसे खास बात तो यह है कि अपकमिंग टाइम में और सबसे खास बात तो यह है कि आप इस कार्ड को यूपीआई के साथ लिंक कर सकते हैं और लिंक करने के बाद अपने यूपीआई के ट्रांजैक्शन भी कर सकते हैं। ओवरऑल इस कार्ड के फीचर काफी ज्यादा अच्छे लग रहे हैं, लेकिन जब कार्ड मार्केट में आएगा तब पता चलेगा कि इस कार्ड की परफॉर्मेंस कैसी है। तो आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। अगर आपको आज के इस वीडियो का कंटेंट वैल्यूएबल लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। इसी के साथ साथ मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।